टू माय यूट्यूब चैनल नवाल किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राइज की रेसिपी। जो बच्चे इसको चिप्स बोलते हैं और बड़े इसको फ्राइज बोलते हैं, बहुत मजेदार होते हैं और बड़े छोटे की फेवरेट होती है। आप सोचते होंगे हमारी फ्राइज ऑयली ऑयली बनती है, बाजार जैसे क्रिस्पी क्यों नहीं बनती। मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं क्रिस्पी बनती। आपने मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी है। चले अपनी वीडियो की तरफ चलेंगे। आपने इस तरह के आलू लेने हैं बड़े बड़े और इसको इस तरह यू काट लेना है। ज्यादा आपने ना बारीक करने ना मोटे करने। अगर आप ज्यादा बारीक करेंगे तो वो बहुत ही वो पापड़ टाइप बन जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, पानी इसमें आपने डाल देना है और इसको आपने एक डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में रख देना और भूल जाना है। इससे फ्राइज बहुत क्रिस्पी बनने वाली है। अब हम आपको थोड़ी देर तक मिलेंगे। डेढ़ घंटा हो गया, ये देखें मैंने फ्राइज को पानी से निकाल दिया। अब आपने इसको ड्राई करना है, सीधा इसमें कुछ नहीं डाल देना आपने, पहले इसको ड्राई होने दें। अब एक बाउल लेंगे, उसमें आप अपनी ये फ्राइज डाल देंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए आपने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। ज्यादा नहीं करना आपने कॉर्नफ्लोर, वरना वो एक बहुत मोटी लेयर इसकी हो जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे। चलो अब इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है कि ये हर आलू पे हर चिप्स पे ये लग जाए। बाजार में फ्राइज ऐसे ही मिलती हैं। अगर आप इसको थोड़ा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें। ये देखे मैंने मिक्स कर लिया, एक इस तरह की बारीक सी लेयर आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करना भी एक बहुत बड़ा जो मेन स्टेप है, आपने वो पूरी मेरी वीडियो देखने में आपको बताऊंगी आपने फ्राई कैसे करना है। ऑयल मेरा गरम हो गया, आपने इसको ना ज्यादा गरम करना है और ये ठंडा भी ना हो। ठंडे ऑयल में चिप्स नहीं डालनी। अब आप इसमें फ्राई कर लें। इसको हम हाफ टर्न करेंगे, इसको मैं निकाल लूंगी। ये आधी कच्ची और आधी पक्की है। देखिए इसको मैंने हाफ टर्न किया, ये तो अभी से क्रिस्पी हो गई है। ये अभी एक दफा होनी है फ्राई। आपने इसको 10-15 मिनट तक दोबारा इसको फ्राई करना है गरम घी में, आपने ठंडे घी में नहीं डालना। 15 मिनट बाद मैं इसको दोबारा फ्राई करूंगी। देखिए ऑयल मेरा कितना ज्यादा गर्म था, मैंने ठंडे ऑयल में नहीं डाली बिल्कुल। अब ये बिल्कुल बाजार जैसी बनने वाली है, जैसे आपको बाजार में मिलती है। आप कहते हैं हमारे से घर में क्यों नहीं बनती। ये कलर आना चाहिए, आपने इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना, ब्राउन कलर फ्राइज में अच्छा नहीं लगता। अब हम इसको बाइट निकालेंगे और आपको डिश अप करके दिखाएंगे, फिर आपके मुंह में पानी आएगा और आप अपने घर में ये लाजमी बनाएंगे। फ्राइज मैंने प्लेट में निकाल ली है, साथ केचप भी मैंने डाल दिया है, इसके बगैर मजा नहीं आता फ्राइज का। आपने ये घर में जरूर ट्राई करनी है, बहुत मजेदार बनते हैं चिप्स। मैं तो अभी टेस्ट करने लगी हूँ। जबरदस्त, इतने क्रिस्पी है, सेम बाजार जैसा टेस्ट आ रहा है इसका मुझे तो। इससे पहले कि मैं आपसे कोई और बात करूं तो आपने मेरे चैनल को जरूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है। अपनी अगली रेसिपी बहुत जबरदस्त आने वाली है, आपने मेरे साथ टच में रहना है। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा।